नमस्कार, यस टीवी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप हमारी यस टीवी के सारे नोटिफिकेशंस पाने के लिए इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको साइड में ही एक बेल आइकन दिखाई देगा जिसे आप हिट कर सकते हैं और टाइमली सारी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, साझा रेडियो के जितने भी प्रोग्राम्स हैं आप इस यस टीवी के माध्यम से जान सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। फिलहाल आज मैं बात करने वाली हूँ, आपने सुनी होगी ये पंक्तियाँ जो अभी आपको बताने जा रही हूँ, मशहूर और प्रसिद्ध एक साहित्यकार और एक नाटककार हुए हैं शेक्सपियर। उनकी कुछ पंक्तियाँ थी कि जिंदगी एक रंगमंच है और हम सब इनकी एक कठपुतलियाँ हैं। जी हाँ, इन्हीं लाइन से पता चलता है कि रंगमंच का हमारी जिंदगी में क्या महत्व है और इसे क्यों समाज का दर्पण माना जाता है। दरअसल आज है 27 मार्च और आज के दिन वर्ल्ड थिएटर डे पूरे विश्व भर में, पूरे वर्ल्ड में बड़ी ही शिद्दत के साथ मनाया जाता है। इस मंच से जुड़े जो भी कलाकार हैं वो इसे एक फेस्टिवल की तरह मनाते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत जब हुई थी 1961 में और इसकी शुरुआत की थी इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने। और इस दिन को मनाने का जो मेन कारण है वो ये है कि थिएटर की हमारी जिंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, उससे पूरी दुनिया को अवगत करवाना। बहुत से कलाकार ऐसे हैं जो इस मंच से अपनी शुरुआत करते हैं और आज बहुत फेमस हो चुके हैं, ऊंचाइयों को छू चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी इससे जुड़े हुए हैं, अपने आप को इससे अलग नहीं कर पा रहे हैं। और कई कलाकार ऐसे हैं जो एक चकाचौंध भरी जिंदगी नहीं जीना चाहते, इस रंगमंच यानी कि थिएटर के द्वारा ही पूरे समाज को समाज में हो रही कुरीतियां, समाज में जो भी घटित होता है उससे अवगत करवाने की कोशिश करते हैं। जब भी हम रंगमंच की बात करते हैं, थिएटर की बात करते हैं, हमारे माइंड में एक पिक्चर क्रिएट होती है समाज में जो रहा है उससे रिलेटेड बातों की, मनोरंजन की। लेकिन रंगमंच इन सब से हटके ही कुछ है, जिसमें कला है, मनोरंजन है, हंसी मजाक है, कुछ गंभीर बातें हैं, जिंदगी को झकझोरती ऐसी बातें हमें हमारे सामने दिखाई जाती हैं और इसे देखकर ऐसा लगता है कि वाकई अब कुछ बदलाव होना बहुत जरूरी है। बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे समाज में घटित होती थी, लेकिन इस रंगमंच के सहयोग की वजह से, थिएटर की वजह से उन कुरीतियों को हमारे समाज से उखाड़ फेंका गया है। थिएटर का हमारी जिंदगी में क्या महत्व है, ये तो सिर्फ वो कलाकार जान सकता है जो थिएटर से जुड़ा हुआ है। कई लोगों की जिंदगी थिएटर से ही शुरू होती है और थिएटर पर ही खत्म हो जाती है। आपको पता है कि जब हम थिएटर करते हैं हम अपने सारे एफर्ट्स लगाते हैं। जब एक कलाकार किसी मंच पर कोई काम करता है, जब वो बड़े पर्दे पर काम करता है तो बहुत सारे चेंजेस कर सकता है, लेकिन जब एक वही कलाकार थिएटर में काम करता है, रंगमंच पे काम करता है, तो उसे उसमें चेंजेस करने के मौके नहीं मिलते। उसे पूरा प्रेजेंट करना होता है दुनिया के सामने, लोगों के सामने, और लोगों और उनके बीच की दूरी भी बहुत ज्यादा कम होती है। रंगमंच ने इस पूरे विश्व को शिक्षित करने का भी काम किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी बुराइयां थी जिसे दूर करने में भी थिएटर ने बहुत काम किया है। तो थिएटर से जुड़े जो भी लोग हैं वो आज के दिन को एक त्योहार की तरह मनाते हैं और सांझा रेडियो इस दिन पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है, बहुत बहुत बधाई देता है। हालांकि थिएटर कहीं न कहीं गुम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की कोशिश है इसे जिंदा रखने की। इस सुविधा को जिंदा रखने के लिए वो अपनी जमा पूंजी तक लगा रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में देखा जाए तो पैसा नहीं है, फाइनेंस की बहुत ज्यादा कमी होती है, इसीलिए कहीं न कहीं जो लोग हैं इससे दूर होते जा रहे हैं। हालांकि हमारा देश जो है डिजिटलाइज हो चुका है, लेकिन फिर भी वो एरिया जहां पर अभी तक टीवी तक पहुंच नहीं पाया है, जहां नेट नहीं पहुंच पाया है, वहां लोग अभी भी रंगमंच के सहारे दुनिया में हो रहे कारनामों को जान पाते हैं, उन बड़े बड़े शख्सियत के बारे में जान पाते हैं जिन्हें वो जानते नहीं है और उनके पास और कोई माध्यम भी नहीं है थिएटर के अलावा। इस थिएटर को जिंदा रखना बहुत जरूरी है अगर हम अपनी प्राचीन सभ्यता को जिंदा रखना चाहते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूंगी कि इस थिएटर की जिंदगी को, इस दुनिया को, यानी कि रंगमंच की इस प्यारे से दुनिया को जिसकी हम कठपुतली हैं, उसे जिंदा रखना बहुत जरूरी है हमारे अस्तित्व के लिए। अगर ये खत्म हो गया तो कहीं ना कहीं हमारा जो अस्तित्व है, कलाकार का जो अस्तित्व है, वो भी गुम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाते जाते फिर से कहना चाहती हूँ कि यस टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा,
यस टीवी आपको टाइप करना है यूट्यूब पर YESTVEE, और साथ ही आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा जिसे हिट करना है, और हर दिन से जुड़ी नई नई बातें, नई नई जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को वर्ल्ड थिएटर डे यानी कि विश्व रंगमंच दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।